गन्ना उत्पादक किसानों द्वारा कल से मुकेरिया में जम्मू जालंधर राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर आज रोड जाम करने को लेकर आज कुछ किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं डीजीपी पंजाब द्वारा किसानों के साथ जालंधर बैठक के लिए बुलाया गया, लेकिन किसानों ने सीधे तौर पर डीजीपी से बैठक करने को लेकर मना कर दिया गया। उनका कहना है, जब तक उनकी मांगों को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं लेती तब तक वो अपना धरना नहीं हटाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी स्टेट कमेटी की बैठक हो रही है, जिसके बाद जो फैसला होगा उसको लेकर अगली रणनीति बनाई जाएगी। साड़ी अगली रणनीति जिहड़ी है लमेरे रूप दे विच संघर्ष चलाया जाएगा, क्योंकि सरकार दे नाल वख-वख समें दे विच साड़ी तय कीती गई गलबात जिहड़ी है पूरी तरह नाल टुट चुकी है। किसी भी वड्डे प्रशासनिक अधिकारी वालों आ के किसानों नूं किसी तरह का आश्वासन नहीं दिता गया, और जिहड़ा 11 रुपए का बेनगुणा चा मुल आ गन्ने का उहदे ते साड़ी सहमति नहीं बनी। और असी सरकार तो वड्डी अपील करदे हां, मंग करते कि जिहड़ियां मिलां ने उन्होंने जल्दी तो जल्दी चालू किया जाए। सरकार ते मिल मालक आपस ते रल के जिस तरह गन्ना मालकां दा शोषण करते पे ने, जिस तरह गन्ना खेतों के खड़ा करके उन्होंने सुकाया जा रहा है, वो बंद करके मेलां जल्दी चालू कीतियां जाण। जेकर सब कुछ नहीं हुंदा तो यह संघर्ष जिहड़ा इसे हाईवे के उत्ते लमेरे रूप से चलेगा जी। धन्यवाद। होशियारपुर से दीपक अग्निहोत्री की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।